हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मुझे कई बार ऐसे कमेंट आए थे कि दी आप हमें ऐसी रेमेडी बताएं जिससे कि हमारे बाल बहुत तेज़ी से लंबे हों, हमारे बाल मजबूत हों, हमारे जो पतले बाल हैं वो भी मोटे हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही रेमेडी लेकर आई हूँ। इसके इस्तेमाल से आप कम समय में अपने बालों को लंबा बना सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप उन्हें घना भी बना सकते हैं। साथ ही साथ आपका अगर हेयर फॉल की समस्या है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आप बालों का झड़ना भी रोक सकते हैं। और जिन लोगों को गंजेपन की भी शिकायत है, गंजापन आ रहा है, तो इस रेमेडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप अपने बालों को लंबा, काला, घना, मजबूत और रेशमी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप वीक में 2 बार भी लगा सकते हैं और 1 बार भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको वीक में 1 बार ज़रूर लगानी है। अगर आपके पास टाइम है तो वीक में 2 बार भी लगा सकते हैं, जैसा टाइम हो आप उस हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी ज़्यादा खर्चा नहीं है। कहीं आप सोचें कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा इस रेमेडी को बनाने में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इजीली इस रेमेडी को बना सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है, तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर करें। और वीडियो को आप बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो को आप पूरा देखते हैं तभी आपको पूरी जानकारी मिलती है। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए वो है एग। कुछ लोग एग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो यहाँ पर फ्लैक्सीड जेल ले सकते हैं। अगर एग का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर एग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप बनाना या फिर फ्लैक्सीड जेल का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। हमने यहाँ पर एग इसलिए लिया है क्योंकि एग हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ एग में कई सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं। एग में होता है प्रोटीन, मिनरल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन, जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो पोषक तत्व होते हैं, खास तौर पर बायोटिन और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, बालों को जड़ों से मजबूत करके उन्हें उनका जो झड़ना है उनको रोकता है। साथ ही साथ नए बालों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिस वजह से आप अपने पतले बालों को घना बना सकते हैं। साथ ही साथ हमारे बालों को प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन देने के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप एग लगाएं। आप चाहे तो एग को खाली भी लगा सकते हैं या फिर इसमें कुछ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। अगर हम एग को खाली ही ऐसे ही लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और हेयर वॉश करने के बाद भी स्मेल थोड़ी थोड़ी आती रहती है, लेकिन आप मेरे तरीके से लगाएंगे तो स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी और ना ही हेयर वॉश करने के बाद आएगी। तो आपको एक एग लेना है और उसके बाद आप उसको फोड़ के एक कटोरी में ले लीजिए। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। फ्रेंड्स, ऑयल ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बालों में ऑयल नहीं लगाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारे बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं और बालों में 2 मुहे की समस्या होने लगती है। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जोजोबा ऑयल। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास जोजोबा ऑयल नहीं है तो मैं एक दूसरा तेल इसमें और ऐड करूँगी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है ऑयल, इसलिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच इस ऑयल को ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद हम इसमें दूसरा ऑयल जो है ऐड करेंगे, वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल ज़्यादातर होता ही है घर में, तो आप इसीलिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बालों का झड़ना रोकता है। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं किसी भी कारण से, तो आप इस तेल का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तेल के इस्तेमाल से आप अपने बालों को घना बना सकते हैं, बालों की हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये दोनों तेल मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, अब मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐसे चीज़ ऐड करूँगी जिससे कि जो इसकी स्मेल है वो कम हो जाए और बालों में से स्मेल ना आए। तो उसके लिए आप या तो इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेमन ज़्यादातर लोग ऐड नहीं करते हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ रहता है कि लेमन से हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेमन का रस लगाने से बाल बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होते हैं। पता नहीं कहाँ से ये दिमाग में बात बैठ गई है कि लेमन से बाल सफ़ेद होते हैं। इसमें स्मेल ना आए तो इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एसेंशियल ऑयल। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रोज़मेरी का।
क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों का हेयर ग्रोथ नहीं होता है तो वो इस एसेंशियल ऑयल का ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर 204 बूंदे मैंने इसमें ऐड किए हैं। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ उसमें एवोकाडो एसेंशियल ऑयल, ये भी बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, तो थोड़ा सा ही मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसके इस्तेमाल से क्या, इसको ऐड करने से स्मेल नहीं आएगी, आप इजीली आप अपने स्कैल्प में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं तो चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती हैं और उनका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आ पाता है। तो आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी एप्लीकेशन करके। आप वीडियो को पूरा देखा करिए, फिर आप मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि हम इसको रख सकते हैं या फिर कितने दिन लगाएं, कब तक रिज़ल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, रिज़ल्ट की बात है तो कुछ लोगों को तो जल्दी मिल जाएगा लेकिन कुछ लोगों को लेट मिलता है। डिपेंड करता है कि आपके स्कैल्प कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने बालों में कॉम कर लिया है और उसके बाद ही मैं अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ। आपको ये अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है, आपको बालों की लेंथ में तब अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पूरे स्कैल्प में लग चुका है तभी आप अपने बालों की लेंथ में लगाएं, लेकिन आपको पहले स्कैल्प में अच्छे से ध्यान देना है। तो आप इस तरीके से अपने पूरे स्कैल्प में लगा लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप खाली एग भी लगाते हैं ना तो आप 15 दिन में डिफरेंस देख सकते हैं अपने बालों में, लेकिन अगर आप अपने बालों को कम समय में लंबा करना चाहते हैं, घना करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो को देखने से नहीं होता है, कुछ रेमेडियों को अप्लाई करना पड़ता है तभी आपको लंबे खूबसूरत बाल मिलेंगे। अगर आप ये सोचें कि एक रेमेडी हमने देख ली है अब उसको हम एक बार लगा लेते हैं और हमारे बाल लंबे हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो ज़रूरी है, तो आप कोई भी हेयर पैक लगा सकते हैं अपने बालों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एग का लगाएं, आप एग लगाइए, बनाना लगाइए, फ्लैक्सीड लगाइए, मेथी दाना लगाइए, बहुत सारे ऐसे पैक हैं जो कि आपके बालों को लंबा घना बनाते हैं। मैंने पूरे बालों में लगा लिया। मैं इसको 30 से 45 मिनट रखूँगी और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर दूँगी। आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखा, आप 30 से 45 मिनट ही अपने सिर में रखें और उसके बाद शैम्पू कर दें। और जब आपके बाल सूख जाएंगे तो आपके बालों में एक तो कमाल की चमक आने वाली है, आपके बाल बहुत ही सुलझे हुए नज़र आएंगे, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो आप इस रेमेडी का ज़रूर इस्तेमाल करें और आप इस रेमेडी को वीक में एक बार या फिर दो बार अप्लाई कर सकते हैं। और इस रेमेडी अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आप प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए कि इस रेमेडी से आपको कितना फ़र्क पड़ा है आपके बालों पर। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।